अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ब्लूबेल स्कूल सिस्टम से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब अपने कारवाने उर्दू की किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 129। और आज का हमारा सबक है अल्लामा इकबाल का बचपन। जैसे कि आप सबको पता है, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने अपनी जो शायरी के ज़रिए मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ठीक है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद थे, उन्होंने उनको उनको अपनी शायरी के ज़रिए उनमें आज़ादी का जज्बा पैदा किया था, ठीक है। और जो ये बहुत अहम काम था, जो अहम काम था जो कोई भी नहीं कर सका था, ठीक है, मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। और अल्लामा इकबाल मीर हसन जो थे उनके घर पढ़ने जाते थे, ठीक है। और उनके जो बच्चों के साथ जो है उनकी काफ़ी, उनके बेटों के साथ जो है उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। अल्लामा इकबाल को पढ़ने का बहुत शौक़ था, ठीक है। उन्होंने और वो सबसे यानी कि स्कूल में तरीम में अपनी उम्र के लड़कों से बहुत आगे थे, ठीक है। जो उनकी एज के लड़के थे ना, उनके यानी कि क्लास फेलोज थे स्कूल में, उनसे वो बहुत ज़्यादा तालीम में बहुत अच्छे थे, यानी कि लायक थे। और उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, वो रात दिन जो है वो पढ़ते होते थे। हालांकि रात सारी वो जाकर पढ़ते थे, और आदत उनके वालदैन ने उनकी ख़त्म की थी। और इस तरह अल्लामा इकबाल जो है हमारे उन्होंने शायरी की बहुत सी, अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए जितना बड़ा और अहम काम किया, वो इनसे पहले कोई ना कर सका। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने मौलवी गुलाम हुसैन से कुरान पाक पढ़ा, फिर मौलवी मीर हसन से मदरसे में तालीम हासिल की। जब मौलवी साहब स्कॉच मिशन स्कूल से वाबस्ता हो गए, तो इकबाल भी उसी स्कूल में दाखिल करा दिए गए। मीर हसन के बेटों से उनकी गहरी दोस्ती थी, ठीक है। जो मीर हसन थे उनसे उनकी गहरी दोस्ती थी, ठीक है। अल्लामा इकबाल मीर हसन के घर पढ़ने जाते, और कभी कभार मौलवी साहब के छुपकर बेटों के साथ मिलकर कबूतर भी उड़ाते, ठीक है। यानी कि जो मीर हसन के बेटों से उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अल्लामा इकबाल को पढ़ने का बहुत शौक़ था, वो स्कूल की तालीम में अपनी उम्र के लड़कों से बहुत आगे थे। उनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद की बेगम बताती है कि स्कूल के इब्तदाई यानी कि आगाज़ में ज़माने में इकबाल रात को नींद में उठ उठकर पढ़ते थे। एक बार आधी रात को उनकी वालिदा इमाम बीबी की आंख अचानक खुली, तो देखा कि इकबाल दिए की रोशनी में पढ़ रहे हैं। दो एक आवाज़ें भी दी, मगर वो टस से मस्त यानी कि वहाँ से ना हिले, ठीक है। उन्होंने शानों से पकड़ कर हिलाया और कहा, यानी कि बाजू से पकड़ कर हिलाया और कहा, इकबाल इस वक्त आधी रात को क्या पढ़ रहे हो, सो लो सुबह पढ़ लेना। इकबाल ने जमाई ली और कहा, बेजी सोया हुआ तो हूँ, रात को देर तक पढ़ते रहने की आदत आस्ता आस्ता वालदैन की तवज्जो से ख़त्म हो गई, ठीक है। यानी कि उनके वालदैन ने उनकी जो रात पढ़ने की आदत थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। तो उसके बाद 1893 में उन्होंने मैट्रिक के इम्तहान दर्जा अव्वल में पास किए, यानी कि फ़र्स्ट पोजीशन उन्होंने मैट्रिक में हासिल की। अपने स्कूल में पहली और पूरे पंजाब में आठवीं पोजीशन हासिल की, यानी कि आठवां जो है पोजीशन पूरे पंजाब में उन्होंने हासिल की। इस कामयाबी पर इकबाल को 12 रुपये महाना वजीफ़ा यानी कि सर्टिफिकेट मिला, उनको स्कॉलरशिप मिली उनको, और स्कूल की तरफ से एक तगमा भी दिया गया, यानी कि एक प्राइज़ दिया गया। प्यारे बच्चों, अगर आप भी अल्लामा इकबाल की तरह बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो उनकी तरह इल्म से मोहब्बत करना सीखें। जो ये लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं, उन्हें ज़िंदगी में ढेर सारी कामयाबियां हासिल होती हैं। आप सबको भी चाहिए, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने बहुत मेहनत की और एक कामयाब इंसान बने, आपको भी चाहिए कि आप दिल लगा कर इल्म हासिल करें और बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करें। अब आप सब अपने उर्दू लिटरेचर की यानी कि उर्दू अदब की कॉपीज ओपन कर लें। सबसे पहले तारीख 11 जनवरी, जमात का काम पीर, और अनवान अल्लामा इकबाल का बचपन। इमला के अल्फाज, पहला देखें वाबस्ता, दूसरा इब्तदाई, तीसरा वजीफ़ा, चौथा तगमा, पांचवा शानो, ठीक है। इसको हम और जो है जूम के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।